हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली स्पाई यूनिवर्स की जो गाड़ी है वो हमारी सोच से भी आगे निकल चुकी है। यस गाइस, यानी कि यहां पर हम सब टाइगर 3 मूवी को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं कि टाइगर 3 मूवी में ये होने वाला है, ये सीन होने वाला है। लेकिन यहां पर वार 2 मूवी की जो शूटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। यस गाइस, यानी कि वार 2 मूवी की शूटिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। क्या अपडेट है फुल डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को देख सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर 3 मूवी के बाद स्पाई यूनिवर्स की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है वो वार 2 है। यस गाइस, यानी कि टाइगर 3 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें पता चलेगा कि वार 2 में क्या होने वाला है। और वहीं आप सभी को बता दूं कि वार 2 मूवी का जो फर्स्ट कैजुअल है वो स्पेन के अंदर शूट किया गया, और ये जो फर्स्ट कैजुअल था 12 डेज का था, और 12 डेज का जो फर्स्ट कैजुअल है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस दौरान सिर्फ सेट पर ऋतिक रोशन सर नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर भी थे। यस गाइस, यानी कि आप सभी को पता है कि वार 2 में ऋतिक रोशन सर के अगेंस्ट जो एक विलन होने वाले हैं वो जूनियर एनटीआर होने वाले हैं। और वहीं स्पेन के अंदर वार 2 का एक बिगेस्ट चेज सीक्वेंस शूट किया गया। यस गाइस, यानी कि वो चीज सीक्वेंस कौन सा है, कार का है, बाइक का है, ये अभी तक रिवील नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इस मूवी का जो एक चेस सीक्वेंस है वो भाई साहब स्पेन के अंदर शूट किया गया है। यस गाइस, यानी कि वार 2 मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को पता है कि वार 2 मूवी को जो आप डायरेक्ट करने वाले हैं वो अयान मुखर्जी हैं। यस गाइस, यानी कि उन्होंने ब्रह्मास्त्रा जैसी हमें एक बिगेस्ट वीएफएक्स वाली बिगेस्ट एक्शन मूवी दी है। तो यहाँ पर वार 2 से भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि डायरेक्टर भी बहुत बड़े हैं और उसके साथ साथ दो बहुत बड़े एक्टर हैं, यानी कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हमें फर्स्ट टाइम एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर वार 2 मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस मूवी का जो फर्स्ट कैजुअल है वो कंप्लीट हो चुका है। और वहीं इस मूवी की जो शूटिंग है वो दिसंबर तक लगभग आप सभी कह सकते हैं कि कंप्लीट कर ली जाएगी। यस गाइस, यानी कि हमें वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की बैक टू बैक मूवीज देखने को मिलने वाली, यानी कि टाइगर 3 के बाद वार 2 के बाद टाइगर वर्सेस पठान, और टाइगर वर्सेस पठान के बाद हमें पठान 2, और उसके बाद फिर टाइगर 4 शायद हमें देखने को मिल सकती है। यस गाइस, यानी कि स्पाई यूनिवर्स की आपको बैक टू बैक मूवीज देखने को मिलने वाली। और वहीं जो वार 2 को लेकर अपडेट आई है, भाई साहब इसने मुझे हिला कर रख दिया। यस गाइस, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर अपडेट आई, किसी को नहीं पता था कि इस मूवी की शूटिंग चल रही है। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी मैं कमेंट में बताइएगा, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।